बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद राही है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। आज मैं 40-80 का घर है, ये मैं आपको ये घर विजिट कराता हूँ। दो पानी की मोटरें लगी हुई हैं, दोनों अलग अलग लगी हुई हैं, पानी के बोर भी है, ये स्टोर करने वाला टैंक है। यहाँ पे पैरेलल 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये छोटा पाउडर रूम है, जो कि आपका ड्राइवर या आपका कोई ऐसा मेहमान जिसको आप घर नहीं लाना चाहते तो वो ये वॉशरूम यूज़ कर सकता है। इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। और ये 3 गेट हैं, एक ये ड्राइंग रूम का गेट है, ये ग्राउंड फ्लोर का है, ये अपर पोर्शन का है। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का विजिट कराता हूँ। तो ये सीढ़ी ऊपर जाती है, ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है, बड़ा सिटिंग एरिया है। ये मेरे सारे ये सारी LCD की जगह यहाँ पे देखें, आप अपनी खूबसूरती के लिए जो चीज़ें भी रखना चाहें रख लें। ये बड़ी LCD लग सकती है, ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, ऐसे इधर भी रख सकते हैं। ये इसका गेस्ट बेड है ग्राउंड फ्लोर का, बहुत ही खूबसूरत विंडोज लगी हुई है। वॉशरूम भी जो है सारे पोटा का सिस्टम है। ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको किचन विजिट कराता हूँ। इसके रैक की बात करूँ तो बेहद खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन शीशा लगा के एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया। छोटे रैक रखे गए हैं, ये बड़े रैक रखे गए हैं। अभी मैं आपको इसका दूसरा बेड विजिट कराता हूँ। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो बेहद खूबसूरत बड़ी विंडोज लगाई गई है वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए। दिन के अंदर आपके कमरे में अगर आप लाइट ना जलाना चाहें तो कोई वो ज़रूरत नहीं है लाइट की। बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, यहाँ पे आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। देखिए, किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया हुआ, आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ये वॉशरूम डिफरेंट कलर की टाइल्स लगी हुई है हर वॉशरूम में। अभी मैं आपको इसका तीसरा बेड विजिट कराता हूँ वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे भी विंडोज लगी हुई है बड़ी वाली, आपको दिन के अंदर यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अलमारियाँ देखें, हर जगह पे सेटिंग से अलमारियाँ बनी हुई हैं। इसी तरह इसका ये वॉशरूम है। सीढ़ी पे मार्बल, ये लकड़ी का काम सीढ़ी पे बहुत ही अच्छा, और सारा लकड़ी का काम बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है और बहुत ही मजबूत है। जैसे ही मैं इंटर होता हूँ तो मेरे राइट साइड पे जो है वो टेरेस आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको टेरेस दिखा दूं। ये देखें जी, टेरेस भी बहुत ही बड़ा टेरेस है। ये यहाँ पे आप अपना टेरेस के ऊपर छत भी है वेंटिलेशन के लिए, ये गली भी है। यहाँ से जो ऊपर वाला ड्राइंग रूम है इसके ऊपर वॉशरूम भी है इसके साथ, और यहाँ पे ये वॉशरूम है इसका ड्राइंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। ड्राइंग रूम बड़ा ड्राइंग रूम है। ये डाइनिंग रूम है, तो ये गेस्ट बेडरूम है। हर घर हर कमरे में वेंटिलेशन है, हर कमरे में। इसी तरह इसकी भी अलमारियाँ जो हैं कपड़े इस्त्री करके हैंग करने के लिए, सारा कुछ कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए, ऊपर आप कंबल वगैरह रखते हैं। ग्रिलें बहुत अच्छी लगी हुई हैं। अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ तो ये डिफरेंट कलर की टाइल्स लगी हुई है वॉशरूम में। इस टाइम मैं फर्स्ट फ्लोर के सिटिंग एरिया में मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने बताया, ये देखें बहुत ही खूबसूरत बड़ा सिटिंग एरिया है। ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग A1 लगी हुई है। रैक लकड़ी का काम तो बहुत ही आउट क्लास, मुझे बहुत पसंद आया। सिटिंग एरिया में एक बेड विजिट करा दिया है, ये दूसरा बेड मैं आपको विजिट कराता हूँ। सीलिंग का काम भी बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, टाइल्स नीचे जो लगी हुई बेहद खूबसूरत है। ये इसका वॉशरूम है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर के अपना तीसरा बेड विजिट कराता हूँ। टोटल इसमें 6 बेड हैं, 3 ग्राउंड पे, 3 अपर। और जैसा मैंने बताया, अलमारियाँ जो हैं देखें लकड़ी का काम बेहद खूबसूरत, और इसी तरह ही ये इसका वॉशरूम है। अभी आपको छत विजिट कराता हूँ इसकी।
इस टाइम मैं छत पे पहुंच चुका हूं। ये लोहे का दरवाज़ा है जो बाहर जाने का है। ये दरवाज़ा इतना मजबूत है कि कोई बिल्डर भी इतना मजबूत दरवाज़ा नहीं लगाता है। अगर मैं इसके कमरे की बात करूं छत वाले की, इसको आप पेंट हाउस भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कमरा है। इसमें आप मास्टर बेड, पेंट हाउस बनाए, और इसका ये वाशरूम है, बड़ा वाशरूम है। इसी तरह ही इसकी छत पे चिप्स हुई हुई है, और टंकी जो है वो बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है ऊपर छत पे। ये दो पार्टीशन है इसके अंदर, ग्राउंड का अलग है, अपर पोर्शन का अलग है। ये मेन बुलेवार्ड रोड की बैक साइड का घर है। ये 40-80 का घर है G-13-2 में। इसकी डिमांड जो है 9,75,00,000 है। लोकेशन के हिसाब से ये प्राइस कुछ भी नहीं है। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर नई वीडियो आपके पास आ सके। मेरे दिए हुए नंबर पे रابطہ करें, या मुझे कमेंट्स करें, और या मेरे से टाइम शेड्यूल तय करें, और मेरे ऑफिस विज़िट करें। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।